नगर निगम चुनाव में जनता से मिले आशीर्वाद के बाद शहर की सियासत तेज होती नजर आ रही है। महापौर जनता के सामने नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हैं बीजेपी से नेता गोविंद मालूची और कांग्रेस से प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस से नरेंद्र जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मंत्री तुलसी सिलावट और नवनिर्वाचित महापौर पुष्यमित्र भार्गव जनता के सामने नतमस्तक नजर आए, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आते हैं नतमस्तक हो जाते हैं और चुनाव निपटते हैं और उसके बाद ये सिर उठा के खड़े होते हैं। तुलसी सिलावट जी का तो बारे में सब जनता जानती है उनके क्षेत्र की। हाँ, पुष्यमित्र भार्गव जी अभी चुनाव जीते हैं, यदि उनने ये किया तो अच्छा कदम है। बाकी भाजपा तो गुमराह करने में, जनता को मुद्दों से भटकाने में माहिर है। अब काम करके दिखाना चाहिए, जो वादे घोषणा है। नतमस्तक हो जाओ, हमारे मुख्यमंत्री जी रोज कन्याओं का पूजन करते हैं और कन्याओं से सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, तो नतमस्तक इनके सामने, जनता के सामने तो हो रहे हैं। अब ये जितने भी ठेकेदार भ्रष्टाचारी हैं, उनके सामने ये लोग नतमस्तक नहीं हो, जनता के सामने हो, अच्छी बात है। सर, नगर निगम चुनाव में मिली हार के बाद आप मिशन 2023 के लिए कांग्रेस से क्या रणनीति पर काम करेगी? कांग्रेस को हार नहीं मिली, कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस 5 नगर निगम 16 में से जीती। पिछले बार हमारा 0 स्कोर था। रतलाम, उज्जैन हमें बेईमानी से हराया गया और बुरहानपुर हम भाजपा की बीटी के कारण हारे 500 वोटों से। तो हम करीब 7 सीटें जीत चुके हैं 16 में से, और जिसमें हम पिछली बार 0 स्कोर था, तो हमारी तो जीत हुई है, हार कहाँ हुई है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से नेता गोविंद मालू जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मंत्री तुलसी सिलावट और नवनिर्वाचित महापौर पुष्यमित्र भार्गव जनता के सामने नतमस्तक नजर आए, इसके पीछे बीजेपी की क्या सोच रही? मतलब देखिए, जनता के सेवक हैं हम लोग, सेवा करते हैं, जनता ने हमको प्रतिसाद दिया है, हम उनको प्रणाम करते हुए उनके सेवक के रूप में काम करते हैं। हम जनता को मालिक और अपने आप को सेवक मानते हैं, इसी रूप में इसको लेना चाहिए, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है वो सर माथे पर है। हमारा भी कर्तव्य है, यदि वो दायित्व तो हमारे कंधे पर डाला है, तो अधिकार जो हमको सज्जित किया है उसके चलते हम प्रणाम करते हुए और पूरे कर्तव्य को शिरोधार्य करके और की प्रतिपूर्ति में हम पूरा अपना कार्यकाल लगाएंगे, ये हम सबकी मनोभावना है। सर, महापौर निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन अब कब तक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। केंद्र अपने मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी की स्वीकृति मिलते ही, क्योंकि अभी 29 तक चुनाव है जिला पंचायत के, संगठन उसमें मसरूफ है, तो उसके बाद में जो भी डेट आएगी अगस्त के प्रथम सप्ताह में होने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, चुनाव संपन्न होते ही अब पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति बनाती नजर आ रही है। और तो वहीं अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किस पार्टी को कितना मिलता है और पार्टी जनता के भरोसे को बनाए रखने में कितनी सफल हो पाती है या नहीं। हमें दीजिए इजाजत, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।